हेलो दोस्तों, मैं यूधर यादव हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि मेन गेट पे सीढ़ी का स्टेप कैसे बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों बना ली कर लिया है। फर्स्ट स्टेप को पाइप लेवल करना है दोस्तों। हाइट को नाप कर मैंने हाइट को नापा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा हाइट और लंबाई को नाप लिया दोस्तों। उसके बाद फर्स्ट स्टेप को पाइप लेवल कर लिया है। उसके बाद दोस्तों धागा की सहायता से एक कॉर्नर को हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद दूसरे कॉर्नर को नापेंगे दोस्तों। उसके धागा लगाकर हम लोग उसके पहले स्टेप को टाइट करेंगे। हमारा चार स्टेप आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और ऐसे पैक करना है दोस्तों, बीच का जो गैप बचेगा उसे। तो हमारा पहला लेयर कंप्लीट होने वाला है दोस्तों। उसके बाद इसमें एक लेयर और आएगा तो अब हमारा एक स्टेप कंप्लीट होगा। ऐसे क्रमशः करते हमको जाना है दोस्तों। मैंने आपको बताया है कि इसका हाइट 28 इंच है और मैंने इसको 4 फीट लिया है दोस्तों। हमारा एक लेयर कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद हमको इसमें और एक ही लेयर लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पे हमारा एक लेयर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारा दूसरा लेयर चालू हो गया दोस्तों। इस प्रकार हमको ईंट को लगाना है। ऐसा करते जाएंगे दोस्तों तो हमारा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। और आप बीच बीच में नाप सकते हो दोस्तों स्टेप को। फर्स्ट स्टेप को पाइप लेवल कर लेंगे दोस्तों हम लोग। उसके बाद दूसरे स्टेप को आप टेप से नाप सकते हो, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप सही रहेगा तभी सभी स्टेप सही रहेंगे। तो मैंने ऐसे पाइप लेवल किया था दोस्तों। और इसके बाद आप लोग धागा लगाया और ईंट को पैक करते गया दोस्तों मैं। तो आप लोग इस प्रकार कर लेंगे। तो हमारा एक लेयर कंप्लीट होने वाला है दोस्तों। इस प्रकार से आप की सहायता से इस प्रकार से ईंट को पैक करना है दोस्तों। उसके बाद खाली जगह पर आप ईंट को पैक कर देंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया दोस्तों हमारा। ऐसे इस प्रकार ईंट का पैक। अब सेकंड स्टेप के लिए हम लोग एक फिट यहाँ पहले से टेप में नाप कर छोड़ दिया दोस्तों। सेकंड स्टेप ऐसे आप पैक करेंगे। और मसाला डालकर हम ईंट को पैक करेंगे दोस्तों। यहाँ पर ऐसे हमारा सेकंड स्टेप का फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गया दोस्तों। इस प्रकार से क्रमशः हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे दोस्तों। हमारा सेकंड स्टेप का काम जारी है दोस्तों। ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। सीढ़ी को कभी बनाने से पहले दोस्तों सीढ़ी का हाइट को ही आप नाप कर उसकी लंबाई रखेंगे। दोनों भाग आप गोली कर लेंगे ऐसे ताकि हमारी सीढ़ी का स्ट्रक्चर सही रहे, इधर उधर ना हो।
जाकर इनको पैक कर लेना। उसके बाद मसाला डालकर मैंने बीज का ही पैक कर लिया दोस्तों। मेरा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया, लगभग कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हो गया मेरा दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप हम लोग इस कॉर्नर से एक फीट छोड़ देंगे दोस्तों, उसके बाद हम एक लेयर का ईट लगाएंगे। ऐसे दोनों कॉर्नर में हम नाप लेंगे पहले, उसके बाद इस कॉर्नर में भी उसी नाप लेंगे, उसके बाद धागा की सहायता से इस तरफ से ऐसे ईट में नाप लेना है लगाकर उसको ईट से पैक कर देंगे। ऐसे आप ईट को पैक कर लेना दोस्तों। हमारा तीसरा स्टेप का फर्स्ट लेयर चल रहा है दोस्तों, ऐसे आप लोग ईट कर लेना स्टेप बाय स्टेप। मैंने इसका हाइट 7 इंच रखा है दोस्तों इस स्टेप का, और नॉर्मली सब जगह वही रखते हैं। और आप अपने हिसाब से रख भी सकते हैं दोस्तों, अगर कम करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आपकी लंबाई बढ़ जाएगी जगह के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर स्टेप को 7x1 का रखा है दोस्तों। तीसरा स्टेप भी कंप्लीट होने वाला है दोस्तों। अब दोनों कॉर्नर में इसे धागा लगा कर ईट को पैक कर लेना। अब हमारा काम चौथा स्टेप लास्ट स्टेप में चला गया दोस्तों। दोनों कॉर्नर में मैंने ईट को रखा और टेप से नाप कर एक फीट रखा दोस्तों वहां पर। उसके बाद धागा की सहायता से कॉर्नर को एक पैक किया, ऐसे ईट को पैक कर लेना है दोस्तों दोनों कॉर्नर से। तो हमारा चौथा स्टेप भी कंप्लीट होने वाला है दोस्तों। ये हमारा चौथा स्टेप का लास्ट लेयर है दोस्तों। ऐसे स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी बनाते हैं दोस्तों, आपको सीढ़ी बनाएंगे। अब इसमें मसाला डालकर पानी से खोल देंगे दोस्तों इसको, ताकि मजबूत रहे। और उसके बाद हमारा काम कंप्लीट हो जाने के बाद हम इसमें 2 इंच का गिट्टी डाले हैं दोस्तों। ऊपर में ऊपर भाग में आप 2 इंच का गिट्टी डाल दो, ताकि सीढ़ी का लाइफ मजबूती बढ़ जाए। तो मैंने इसमें 2 इंच का कंक्रीट पैक कर लिया है, और दिखने में भी अच्छा दिखता है दोस्तों, ताकि हमारा ईट न उखड़ सके, इसी कारण डालते हैं दोस्तों यहाँ पर, ताकि सीढ़ी का मजबूती बने रहे। तो मैंने यहाँ पर दो इंच का कंक्रीट डाला है दोस्तों यहाँ पर। इसे आप
कर लेना ताकि सीढ़ी की मजबूती बने रहे और दिखने में बहुत सुंदर दिखता है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप कंक्रीट हाइक कर लेना। अब हमारा कंक्रीट का काम लगभग समाप्त होने वाला है दोस्तों। इस प्रकार से हमारा सीढ़ी का स्टेप कंप्लीट हो गया दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट कर बताएं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना दोस्तों। ऐसे वीडियो मैं लाते रहूँगा। हमारा कंक्रीट का काम लगभग लास्ट ये स्टेप में आ गया दोस्तों। ऐसे आप पाइप कर लेना गिट्टी में, गिट्टी और रेत सीमेंट का बनाकर ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप को नापते आ जाइए। तो मैंने यहाँ पर स्टेप को 7 रखा है दोस्तों, हाइट को 7 इंच का। तो हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।